हरता श्री गणेशा श्री गणेशा श्री गणेशा। सहस्त्रों वर्षों से देवी पार्वती तप पर स्थित हैं और ये दुष्ट इनका तप भंग करना चाहता है। इन असुरों की संख्या अधिक होने के कारण इन्हें रोकना भी मेरे लिए एक परीक्षा ही है। वो अकेले नहीं निपटेंगी इन असुरों से। माता सरस्वती के स्वर से मुझे उनके कोप का आभास हो रहा, किंतु माता करने क्या जा रही है? अब ये तृतीय देवी कहां से उत्पन्न हुई और ये क्या? वीणा, ये देवी संगीत वादन करने जा रही है। वीणा से उत्पन्न ये स्वर्णिम कीड़े भला हमें क्या क्षति पहुंचा सकते हैं? इन कीड़ों को नष्ट कर दो, आगे बढ़ो और वध कर दो इन देवियों का। हेलो, अरे हम तो बंदी बन गए, इन स्वर्णिम कीड़ों ने हमें बंदी बना लिया। मुक्त करो हमें, मुक्त करो हमें। संकट टल गया, अन्यथा देवी पार्वती की तपस्या भंग हो सकती थी। इतने विचित्र किंतु इतने प्रभावशाली अस्त्र शास्त्र मैंने पूर्व कभी नहीं देखे। इन देवियों को पराजित करना तो असंभव ही प्रतीत होता है। ऐसा कौन है जो इनका वध करने में सक्षम हो? कौन आ रहा है यहाँ, जिसके पश्चात से ये भूमि कंपित हो रही है? ये क्या, महाराज तारकासुर ने महाअसुर अबुआ को भेजा है? ये तो इस पर्वत की ओर आ रहा है जहां मैं स्थित हूं, और इस पर्वत को पार करके ये देवी आदि शक्ति तक पहुंच सकता है। नहीं हो सकता मैं।
कौन असुर है? माता लक्ष्मी और माता सरस्वती तो उड़ते असुरों से निपट रही हैं। अभी एक और नवीन असुर उत्पन्न हो गए। मुझे भय है कहीं असुर माता की तपस्या न भंग कर दे। यदि देवी पार्वती अपनी तपस्या से उठने के लिए विवश हुई तो वो महादेव की परीक्षा में कभी सफल नहीं हो पाएंगी। और ये है वो देवी सर्वप्रथम जिसका अंत करना है मुझे। तो ये सब हो रहा है यहां देवियों, किंतु क्या तुम देवियों को यह ज्ञात नहीं कि महाराज से प्रतीक्षा करवाना सर्वथा अनुचित है? असुर महाराज तारकासुर इस प्रतीक्षा में है कि देवी आदिशक्ति की अंत की सूचना अब आएगी कि तब आएगी, और तुम तुच्छ स्त्रियां अपनी क्रीड़ा से उसमें विलंब उत्पन्न कर रही हो। किंतु कोई बात नहीं, अभुआ यहाँ प्रस्तुत है और जो धैर्य धारण कर प्रतीक्षा करते हैं उन्हें उसका उचित फल भी प्राप्त होता है, और मैं अब महाराज की प्रतीक्षा को सार्थक करूंगा और तुम तीनों देवियों का अंत कर एक के स्थान पर उन्हें तीन देवियों के अंत की सूचना दूंगा। एक अन्य विचार आया है मेरे मन में, क्यों ना मैं इस संपूर्ण सृष्टि का ही विनाश कर दूं? क्योंकि जब सृष्टि ही शेष नहीं रहेगी तो सदा के लिए तुम तीनों देवियों का भी अंत हो जाएगा। विभाजन अस्त्र। ये कौन सा अस्त्र है ब्रह्मदेव? ये वो अस्त्र है वायुदेव, जो किसी को भी दो भागों में विभाजित कर सकता है। जिसका भय था वही हो, माता की तपस्या भंग हो गई। प्रकृति के साथ हिंसा करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? प्रकृति के
साथ जो रोष उत्पन्न करता है उसका यही परिणाम होता है, सर्वनाश। देवी आदि शक्ति, अच्छा है, अब युद्ध का आनंद आएगा। माता पार्वती ने असुरों का तो वध कर दिया, किंतु उनकी तपस्या भंग हो गई। माता अपने तप से उठ गई, तो अब वो महादेव को कैसे प्रसन्न कर सकती थी? तो क्या तारकासुर अपने मंतव्य में सफल हुआ? जिसका भय था वही हो, माता की तपस्या भंग हो गई। माता तो अपने स्थान से उठी ही नहीं थी। आपने ससुर रूपी संकट का निवारण किया, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। उचित, बहन पार्वती का तप खंडित नहीं हुआ। ये है माता आदि शक्ति की लीला। माता पार्वती का तप भंग भी नहीं हुआ और असुर सेना का सर्वनाश भी हो गया, किंतु माता पार्वती का तप अभी संपन्न नहीं हुआ था, अर्थात महादेव की परीक्षा में वो अभी भी सफल नहीं हुई थी। और इस अवधि में देवता और भी अशक्त हो रहे थे और उन सभी के मन में एक ही प्रश्न उमड़ रहा था। ब्रह्मदेव, महादेव कब तक इस प्रकार माता पार्वती की परीक्षा लेते रहेंगे? हाँ नाथ,
30 सहस्त्र वर्षों से देवी पार्वती के इतने कठोर तपस्या का फल अब उन्हें प्राप्त होना ही चाहिए। हाँ प्रिय, आप सर्वथा उचित कहती हैं, किंतु ज्ञात नहीं महादेव इतनी प्रतीक्षा क्यों करवा रहे हैं। प्रणाम नारायण। देव राजेंद्र, अब और विलंब उचित नहीं। अब समय आ गया है कि आप सभी देवता एकत्रित होकर महादेव के समक्ष प्रस्तुत हों और उनसे विनती करें कि वो देवी पार्वती की परीक्षा संपन्न करें। उचित है नारायण। नारायण, हमें भी महादेव से निवेदन करने जाना चाहिए। नहीं ब्रह्मदेव, आपको जाना तो है किंतु महादेव के समक्ष नहीं, अपितु कहीं और, एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करने। आपको तारकासुर के समक्ष जाना है और उसे कार्य करने के लिए तैयार करना है। तारकासुर? ये आप क्या कह रहे हैं नारायण? मैं जाऊं तारकासुर के निकट? किंतु क्यों? क्यों ब्रह्मदेव, आपने ही उस दुष्ट को वरदान दिया था ना, और आप तो उसके आराध्य हैं, तो आपका सुझाव नहीं स्वीकार करेगा तो भला किसका करेगा? ब्रह्मदेव, एक दीर्घ अवधि से मेरी बहन पार्वती महादेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रही है, जिससे महादेव प्रसन्न होकर उनसे विवाह करें, जिसके उपरांत उनका पुत्र उत्पन्न हो, जो तारकासुर का अंत करके सृष्टि को इस महासंकट से मुक्त करे। तो आप भी इतना योगदान तो दे ही सकते हैं। ब्रह्मदेव, आप स्मरण रखिए, प्रत्येक बार जब भी आपने या महादेव ने किसी असुर को वरदान दिया है और जो उससे संकट उत्पन्न हुआ, उसका निवारण मैंने अथवा मेरी बहन ने ही किया है। और ये तो सर्वथा स्पष्ट है कि तारकासुर कभी भी अपनी दुष्टता से पीछे नहीं हटेगा। वो महादेव और देवी पार्वती के संयोग की संभावना को मिटाने हेतु वो कोई प्रयास नहीं छोड़ेगा। इसलिए हमें उसके मन को भटकाकर उसकी कुबुद्धि को कहीं और व्यस्त रखना होगा, और ये कार्य आपसे उत्तम कौन कर सकता है? माता पार्वती को और कितने कष्ट सहने होंगे? नहीं इंद्रदेव, पार्वती की परीक्षा अभी पूर्ण नहीं हुई है। प्रभु, कोई तो राह दिखाई। हमसे उनकी अवस्था नहीं देखी जाती प्रभु। तो अब क्या करने जा रहे थे महादेव? माता पार्वती की एक और परीक्षा। एक और परीक्षा? अपार कष्ट सहकर भी व्यक्ति स्वयं को किसी बड़े उद्देश्य के लिए ही तैयार करता है। अर्थात माता सती ने महादेव को अपार स्नेह दिया, किंतु उनके प्रेम में हठ का भी समावेश था, और माता पार्वती को भी महादेव से प्रेम था, किंतु क्या उनका प्रेम हठ, ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार आदि मानवीय संवेदनाओं से ऊपर था? अब इसकी परीक्षा महादेव लेने वाले थे। महादेव परीक्षा लेने वाले थे, परंतु कैसे गणेश जी? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। Thank you.
परीक्षा और प्रयत्न के उपरांत ही मनचाहा परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर अपनी लीला के माध्यम से यही संदेश देते हैं। जिन महादेव के विवाह के पूर्व आपकी ये दशा कर गई, वो विवाह के उपरांत आपको क्या सुख देंगे? महादेव का विचार त्याग कर मुझसे विवाह कीजिए। मुझसे इस हफ्ते की कहानी में देखिए माता के ब्रह्मचारिणी रूप की कथा विघ्नहर्ता गणेश में।